हेलो, मैडम आपके बजट का कोई मकान हमें मिल नहीं रहा है। इससे ज्यादा किराया हम दे ही नहीं सकते, और हमें जल्द से जल्द घर शिफ्ट करना है। अब आज किस्मत ने हमारा साथ दे ही दिया। कैसे भैया? आज एक और मोहरा हमारे हाथ लगा है, जिसे दांव पर लगाकर हम बहुत आसानी से स्वर्ण भवन को बेच सकते हैं। आज हमें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है आभा, इसी खुशी के नाम पर। चल। अरे ये तो बताइए कि कहाँ मिला है, कौन? हम। पर भैया नौकरी मिली कहाँ है? चौधरी बिल्डर्स के ऑफिस में, उन्होंने ही मुझे उससे मिलवाया। चौधरी बिल्डर्स, क्या बात है आभा, तुम चौधरी बिल्डर्स का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गई? वो हमने उनका नाम ऑफिस में सुना था, वो अच्छे इंसान नहीं है, आप उनके पास काम मत कीजिए। लेकिन आभा उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए हैं, और ये भी कहा है कि नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम एक महीने का नोटिस देना होगा। भैया अब जल्द से जल्द वो नौकरी छोड़ दीजिए, हम नहीं चाहते आप कोई मुश्किल में पड़े। हेलो। हाँ मैडम, आपने कहा था ना, ठीक वैसा ही घर मिल गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम जल्दी जाके पानी लेके आओ, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। ड्रॉअर में हम लेके आते हैं। हेलो। हाँ देखिए, हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, हमारे सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हम उन्हें ऐसे छोड़कर घर देखने नहीं आ सकते। मगर मैडम, घर आपके हाथ से निकल जाएगा, और बॉस का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी ही है। देखिए आप हमें हमारी जिम्मेदारी मत समझाइए। हेलो तस्वीर जी, आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। कौन सी प्रॉब्लम? आपके लिए मैंने घर ढूंढ लिया है। अरे आपको कैसे पता चला हम घर ढूंढ रहे हैं? छोड़िए ना तस्वीर जी, आपको मेरी कोई बात तो याद रहती है नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। एड्रेस है 561 आजाद नगर, बस डिपो के बाजू में है, चार कमरे है, बड़ा हॉल है, गार्डन है, बहुत अच्छा घर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट, आजाद नगर में 561? हाँ। ये घर तो हमारी माँ भी देखने आ रही है। आपकी माँ? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, कितना सुंदर गार्डन है, आप सब लोग सुबह सुबह सूरज की नरम किरणों में बैठ के चाय पी सकते हैं, आसपास वॉक करने जा सकते हैं। तो फिर इन्होंने हमें झूठ क्यों बोला? कहीं करण कुछ ऐसा ना कहते जिससे माँ परेशान हो जाए। एक्चुअली आंटी, मैंने ही इन्हें कहा था आपसे झूठ बोलने के लिए। वो मैंने ना ये घर अपनी एक दोस्त के लिए पसंद कर रखा था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी दोस्त और आपकी बेटी एक ही है। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस घर की सारी फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगा, आप लोग बस सामान बांधिए और रहने आ जाइए। बड़े अच्छे संस्कार है बेटा तुम्हारे, तुम हमारी बेटी के साथ काम करते हो। प्लीज माँ को मत बताना। जी नहीं, मैं काम नहीं करता, तस्वीर जी मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हैं।